So good morning students, see I am going to solve some of the questions from chapter 5 with exponent from Boyle's Maths. And yesterday I have told you how to solve this maths from exercise 5.1. Now today I am going to solve some of the trials from case number 88 and case number 89. See, I have given the number, actually it is not written in your book, as you can see in case number 88, and it is trial. It is saying that it has read the following exponential form. So see, I have written the question. So first number is 12 to the power 3. So how you can solve it, how you can find the value? You can find the value by multiplying 12 3 times 12 is 12, and it is giving the answer 17 28. How 12 times 12 is 144, but 1728 आएगा, आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है -25 to the power 2। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? -25 to -25, दिस इज गिव्स 625, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 625। एज यू कैन सी, यू कैन मल्टीप्लाई लाइक दिस, देयर इज नो इशू ऑफ माइनस। मल्टीप्लाई दिस and you know the result that when 2 minus is multiplied, it will be positive signs. So this is here 625. 3 by 5, next question, C number, 3 by 5 to the power 4. This gives 3 by 4 to the power 4 like this. 3 to the power 4 and 5 to the power 4 separately. You will learn also the formula for this. Actually the formula for this is A by B to the power n is equal to a by a to the power n b to the power n. Means जब भी power ये आता है, इसके ऊपर ये दोनों के ऊपर power अलग-अलग से लग जाता है. So here you can see 3 to the power 4 and 5 to the power 4, and after that we multiply 3 4 times, 3 into 3 into 3, and this gives 81. This is a 9 9 is a 27 27 is a 81, and 5 4 times 5 into 5 into 5 into 5, 5 times 25, 25 times 125, 125 times 625. So this is the way how you can solve it. Now see the next solution, next tryout, and it is about express the following number in exponential form. So हम लोगों को इस number को exponent form में लिखना है. वो देखिए exponent form में लिखा हुआ था, तो उसमें सब लोग value find करेंगे. ये already जो है वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको एक्सपोनेंट में चेंज करना है. सो 2 1 9 7 दिस वी सॉल्व दिस, वी हैव टू डू फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन. इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने में ध्यान यही रखना है कि प्राइम नंबर होना चाहिए. प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे हमें होता है कि 2 3 5 7 11, इस यानी कि इसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, ये सिर्फ दो ही टेबल में आता है. जैसे 2 1 और 2 के टेबल में आता है, 3 1 और 3 के टेबल में आता है. उसी तरह से इसको हमने ट्राई किया कि ये 2 से कटेगा नहीं, तो ये लास्ट में जिस हमने देखा तो ये 2 से नहीं कटता है, क्योंकि 0 2 4 8 रहेगा तभी 2 से कटेगा. तो 3 से हमने देखा, फिर 3 से ऐड किया तो ये 19 आया, तो 19 तो नहीं कटता है और 3 के टेबल में नहीं आता. तो इस तरह से हमने फिर सोचा कि इसके लास्ट में 7 आएगा. ऐसा कौन नंबर प्राइम नंबर है जिसके लास्ट में 7 आएगा? 13 के टेबल में जो देखते हैं 13 9 या 1 1 7 होता है. तो 13 का टेबल से हमने ट्राई किया, तो 1 6 9 times ये कट गया. फिर से 13 से ट्राई किया तो ये 13 times कट गया. इस तरह से 2 बार 3 बार 13 आया, तो हम लोग 13 13 13 13 लिखे, और ये 13 to the power 3. दिस इज द फाइनल आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर 2 1 9 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, it was given in fraction 729 by 1565. How we can solve it? 729 is prime factorization. We can see by 3 3 3 7 2 2 3 12 6 81 59. So आप देख सकते हैं इसको हम लोग 1 2 3 4 5 5 3 है 5 times 3 लिखे, तो 3 3 2 5 आ गया. और 1 5 6 2 5 को करेंगे, 3 6 times 5 आएगा, 1 2 3 4 5 and 6 6 times 6 5 5 to the power 6. तो ये B का सॉल्यूशन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माइनस 1024 डिवाइडेड बाय 3125। यू कैन सी 3125 वाज हियर, यहां पे 3125 आया था पहले ही क्वेश्चन, तो यही से क्यों ना हम इसको ले लेते हैं। यहां से यहां के नीचे जो भी है वो इसका इसके लिए होगा, तो बस इसके लिए हमने कैन 3125 के लिए दोबारा लिखे हैं, बल्कि हम लोग 1024 के लिए किया। 1024 के लिए करेंगे तो देखिए 5 जो है कितना टाइम, सॉरी 2 जो है कितना टाइम जाएगा, 2 से करते गए तो यहां 32 यहां पे आ रहा था, 32 को और आगे हमने सॉल्व किया है ना, यहां पे अगले मतलब पे जो उसके आगे यहां पे सॉल्व किया, तो ये आया टोटल 9 2s आए, 9 टोटल 9 को 2 आया, तो इस तरह से 2 का पावर 9 और डिवाइडेड बाय 5 का पावर 5 को भी माइनस में जो माइनस साइन यहां दिया हुआ था वो माइनस यहां आ गया। लास्ट क्वेश्चन जो था डी नंबर, आप देख सकते हो 1 पे 10 0 था, तो 10 इसमें 10 का पावर 10 डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि ये इस तरह से इसको हम लोग 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 टाइम्स तो उतना ही आएगा। तो ये आज के लिए इतना ही, आप लोग एक्सरसाइज बनाइए पूरा करिए, और एक्सरसाइज 5 होमवर्क में है, आप लोग उसको सॉल्व करके बनाइए।